भर सिंह जी, लॉकडाउन धीरे धीरे, मैं ये आपसे कह रहा नहीं, मैं ये कह रहा था कि जनता अगर इस सब चीजों का पालन करेगी तो लॉकडाउन नहीं होगा। अगर पालन नहीं कर, जनता पे छोड़ेंगे। जनता देखिए जनता को समझना पड़ेगा। जनता अगर चाहती है लॉकडाउन तो लॉकडाउन होगा, नहीं चाहती है तो नहीं होगा। मतलब जनता को कैसे तय करेंगे? वोटिंग करवाएंगे, फिर से चुनाव करवाएंगे, लॉकडाउन कौन चाहता है कौन नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जनता, जनता समझदार है। आपसे और हमसे ज्यादा समझदार जनता है। अभी पालन कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पालन करते हैं, लेकिन अभी पालन कर रहे हैं पहले से ज्यादा। जैसे हमारे सरकार के मुख्यमंत्री कोरोना, देखिए आपको याद होगा, देखिए आपको ये पता होगा, देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना इस समय आपको इंदौर में, भोपाल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र की बात करिए, 8000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। हितेंद्र ठाकुर जी ने जैसे कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, लगे पड़ोसी राज्य में भी हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है। देखिए कोरोना एक ऐसी महामारी है कि इसका कोई तोड़ अभी तक निकल नहीं पाया कि कैसे कहां से कैसे हो रहा है। तो आप ये चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, महाराष्ट्र में कभी विराम नहीं लिया। आपको आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में कितना कंट्रोल हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने अच्छे से कंट्रोल में किया, फिर भी 8000 रोज हो रहे हैं नए केस। नहीं इस चीज का कोई तोड़ नहीं, अगर आपके पास कोई तोड़ है तो बताइएगा। नहीं तोड़ नहीं, तोड़ है कि जैसे और राज्यों ने सख्ती बरती, वैसे आपको सख्ती बरतनी चाहिए। अभी हम सख्त, फिर अभी आपके पास वो सिक्का होगा तो आपके पास ही है ना कि चित भी आपकी पट भी आपकी। दारू की दुकान आप खोलोगे, दारू के तो बोलोगे कोरोना नहीं होता। दारू के दुकान से हो जाता है, जब कोरोना आ जाए दारू की दुकान भी बंद थी, अगर जरूरत पड़ गई दारू की दुकान ही बंद हो जाएगी। नहीं सबसे पहले आपने खोला उसके लिए तो नहीं बोला कि लोग चिल्लाने लगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले नहीं खोला, बहुत राज्यों में खुलने के बाद खुला है। हमारा तो सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र में और इस मुंबई में कोरोना था, सबसे बाद में जो है यहाँ पे जो है लॉकडाउन हटा है। सब चिल्ला रहे थे लॉकडाउन हटा दो, कुछ लोग थाली पीट रहे थे, ताली पीट रहे थे, क्या क्या पिटवा रहे थे, पीट रहे थे, मोमबत्ती जला रहे थे, क्या क्या जलवा रहे थे। अब वो नहीं आएंगे, कुछ बोलना चाहते हैं, पूछ लीजिए एक बार कि ताली ताली नहीं पीटेंगे, मंदिर नहीं खुलवाएंगे। दारू की दुकान खोली जाती है, दारू की दुकान के पीछे बहुत बड़ा आर्थिक गणित है जी। उसके पीछे जो सरकार के पास पैसा चाहिए था उसके लिए दारू की दुकानें सबसे पहली खुलेगी, बाकी सब व्यवहार को रोक के दारू की दुकानें खुलेगी। और दूसरी बात चतुर्वेदी जी, आज ही एक न्यूज में आप देखोगे तो महाराष्ट्र में ऐसे एक जगह पे रेड पड़ी है जहाँ पे कोरोना का रिपोर्ट जो था पॉजिटिव दिखाना ज्यादा दिखाया गया है, उनका टेस्टिंग का जो परमिशन था वो रद्द किया गया है जी। आज उनका टेस्ट रद्द किया गया है। मेरा सवाल है कि अगर ऐसी और कुछ लैब्स रहेंगी जहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा दिखाए जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, धंधे के लिए, तो ये जनता के लिए कितना हानिकारक है? और इसका सरकार अभी किस हिसाब से इन सबको टैकल करेगी, इनको सबको कैसे सजा देगी? अगर एक लैब मिलती है जो पॉजिटिव रिपोर्ट ज्यादा दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो ऐसी कितनी सारी लैब होगी? अगर ये सब ऐसा चल रहा होगा ये जनता के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मतलब एक 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 देखा जाए तो हेल्थ करप्शन चल रहा है, करप्शन पूरा करप्शन है। बांद्रा बीकेसी में जो कोविड सेंटर खोला था वहां पे आपको मालूम होगा, हमारे नेता संदीप देशपांडे जी ने बताया था कि भाड़े से पंखे और तकिया लिया गया था, उसका 3 महीने का एडवांस भाड़ा दिया गया था। वो भाड़े में पूरा बीकेसी का तकिया और पंखा बीएमसी के नाम पे हो जाता था खुद, जो कि एडवांस दिया गया था जी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन महत्व ये है कि अगर पॉजिटिव दिखाने वाली लैब्स है तो उनकी पहली तहकीकात होनी चाहिए कि सही में कोरोना पॉजिटिव है। बहुत से लोगों को पहला कोरोना नहीं दिखाया, बाद में पॉजिटिव दिखाया गया है जी 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 जी। खैर क्वारंटीन सेंटर को बनाने में तो काफी कुछ सामने आए थे मामले, भरत सिंह जी आप शायद होंगे, उस समय काफी मुद्दे उठे थे कि जो वॉल फैन है, जो स्टैंड फैन है, उसके भाड़े पे लिया गया था, 3-3 हजार रुपए भाड़े दिखाए गए थे, जबकि 3 हजार में वो नया पंखा आ जाता है। तो ऐसे घोटाले क्वारंटीन सेंटर में होते हैं, और ऐसे जानलेवा मौके पे आपदा के समय अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है उस पे भी अगर पैसा सौदा करने लगे लोग, तो कैसे आपदा से बचाया जाएगा
बताई जाएगी जनता को। मिश्रा जी, संजू मिश्रा जी बताइए। लेनी चाहिए, अगर ये कहते हैं कि लॉकडाउन ही एक सलूशन है तो लॉकडाउन कैसे करेंगे और उसके प्रति प्लान क्या है? अगर आप शुरुआती दौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये अचानक नहीं लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। और रही बात ये कि जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, अगर आप देखेंगे तो कोरोना के टाइमिंग पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने चार्ज कर रहे थे, इनका क्या मेजर्स था? इनके पास कोई मेजर था एडॉप्टिव कि ये इसको प्रिवेंट कर सके? इनके पास कुछ नहीं है। अभी रिसेंट में ही अगर भारत सरकार की रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अंदर क्लियर कट बताया गया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार फेल है, फेल है। आप क्या करना चाहते हैं? टोटली फेल है। तिवारी जी, तिवारी जी, जी। क्या महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह फेल है? नहीं नहीं, ये कहना उचित नहीं है। मुंबई की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन लॉकडाउन के समय जैसे कि मनीष जी ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में कुछ लैबों में इस तरीके से बताए जाते हैं, पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा बताए जाते हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे होने के काफी नहीं, भ्रष्टाचार तो हुआ है जी, भ्रष्टाचार का आचार तो सबने खाया है जी, लेकिन जी। सरकार विफल है, ऐसा कहना ये उचित नहीं है। भारत तो की आबादी हमारे मुंबई की है और हमारी सरकार आंकड़ा बहुत कम, सरकार को विफल कहना, उद्धव ठाकरे को विफल कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ अच्छा किया है। उनके नीचे के लोगों ने अगर कहीं खाया होगा क्वारंटाइन सेंटर में तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना, उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। आखिर लोग दोष तो अगुआ को ही देंगे, लोग दोष तो अगुआ को ही देंगे ना। अगर अगर सरकार बनी रही तो उद्धव ठाकरे किसी को माफ नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको याद हो तो मैंने कहा था राठौर, मैंने पहले सबसे पहले कहा था, मेरा खुद बताया था के कार्यालय के लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे पता था इस्तीफा देंगे, लेकिन देखिए इसका मतलब उद्धव ठाकरे पर दोष देना ही, मैं उनसे मार रहा सरकार पूरी तरह से नहीं है, लेकिन सरकार पास भी नहीं हो पाई, सरकार बीच में अटकी है, क्योंकि तीन लोगों की सरकार है, क्योंकि तीन लोगों की सरकार सरकार अटकी नहीं है, सरकार नहीं अटकी है, सरकार भटकी भी नहीं, अटकी भी नहीं। ये काम भटकाना लटकाना अटकाना ये भाजपा का और आरएसएस का बड़ा घोटाला हुआ पीपीएम में। का आपने जिसने जिसने इनकी इनकी पटरी फिर फिसल गई, इनकी पटरी गाड़ी पटरी नीचे चली। हाँ, सरकार का मुद्दा यह है तो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, वाले मुद्दे से भागना बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी। हितेन ठाकुर भरत सिंह जी श्रीनाथ तिवारी जी, ये लोग जो है जी ध्यान को भटका रहे हैं, जनता का ध्यान भटका रहे कि कोरोना से भटके ध्यान की जनता का, ताकि हमारी गलती पता नहीं चले। वही बात है, और वही बात है। कल भरत सिंह जी बोलिए, भरत सिंह जी, जनता को कब तक भटकाएंगे आप? कल मनसे के नेता श्री राज ठाकरे जी बिना मास्क के बाहर आए और उन्होंने बोला कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा जी। जब मनसे के अभी एक नेता आपके चैनल पे बैठे हैं जी, अगर कोई